दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पर जो प्रोफेशनल अकाउंट हमने ओपन कर लिया है, जो हमने प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है, उसको दोबारा से कैसे पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करें, यानी कि जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसको कैसे हटाएं अपने अकाउंट से। और ये वीडियो एकदम लेटेस्ट वीडियो है क्योंकि इंस्टाग्राम का जो नया अपडेट आया है उस अपडेट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम से प्रोफेशनल अकाउंट को हटा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप में आ जाना है, उसके बाद आपको आ जाना है अपने प्रोफाइल में। ओके, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर देखिए, ये है मेरे अकाउंट का प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको तीन लाइन दिख रहा होगा, तो आपको इस तीन लाइन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। यहाँ पर पहले केवल सेटिंग का ऑप्शन था, लेकिन अब सेटिंग एंड प्राइवेसी आ गया है क्योंकि इंस्टाग्राम में अभी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों को वो सेटिंग नहीं मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको आ जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। अब सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद देखिए, यहाँ पर आपके सामने ही एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल्स। ओके, यहाँ पर आप लोग नीचे देखिएगा, तीसरे चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल्स का एक ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग इसमें आएंगे फॉर प्रोफेशनल वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहीं पर नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया है स्विच टू बिजनेस अकाउंट एंड स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे बिजनेस अकाउंट बनाना है तो डायरेक्ट बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट हटाना है, पर्सनल अकाउंट बनाना है, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट दोबारा से पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, आप अपने अकाउंट पर कभी भी किसी भी टाइम प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उसको जब चाहें तब उसको हटा भी सकते हैं। ये बहुत ही आसान सुविधा आपको इंस्टाग्राम ऐप में मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो अभी मुझे एक फीचर मिला हुआ था प्रोफेशनल का, वो हट चुका है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अब पर्सनल हो चुका है। अब जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, अब यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन हट चुका है, तो अब मेरा अकाउंट पूरी तरीके से पर्सनल बन चुका है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर केवल मजे लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के कुछ आप फोटो वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रखिए। लेकिन अगर आप लोग एक इंस्टाग्रामर है, इंस्टाग्राम क्रिएटर है, इंस्टाग्राम पर रील वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में ही रखना चाहिए क्योंकि ये आपको ज़्यादा फायदा देगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करने में। अब अगर आपको जानना है कि इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।